Finally, we are arrived. Where you going? My papa, my corn, corn. Udi, we corn, chahiye. So guys, देखिए हमारे घर कौन आया है. हमारे घर गेस्ट आए हैं. सालिया, सालिया आई है हमारे घर. तो अभी हम लोग खेलेंगे, enjoy करेंगे, मजा करेंगे, खाना खाएंगे. और बहुत कुछ करेंगे हम लोग. अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलो चलते हैं, फिर हम कुछ करते हैं एक्टिविटीज. सो गाइस, फिर हम लोग गेस्ट के लिए बेकरी का सामान ले आए, ठीक है, केक्स, बिस्किट्स वगैरह. और उन्होंने बाद में फिर खाना खाया. बिस्किट्स है, केक, और वो है नीमको. बिस्किट्स, केक, नीमको. सो गाइस, अब हम लोग चैलेंज करने लगे हैं, गुड वर्सेस बैड ड्रिंक चैलेंज. जो आपकी लक पे डिपेंड करता है, किसी एक को मिलेगी गुड ड्रिंक और किसी एक को मिलेगी बैड ड्रिंक. तो ये दो पर्चियां, एक के ऊपर लिखा हुआ है गुड और एक के ऊपर लिखा हुआ है बैड. तो इसमें से आप पर्ची पकड़ोगे, जो आपको निकलेगा. मैं किचन से जाकर आपको यहाँ पर ड्रिंक ला के दिखा दूंगी और आपका रिएक्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है. तो चलो, आप इसमें से आप रेस को इसी भी एक पकड़ लो. चलो चलो, आप प्रोसीजर करो. रॉक पेपर सीजर शूट. ओए अरेस, अरेस आप एक पर्ची पकड़ लो. अरेस और ये लो सालिया. चलो भाई, पर्ची खोल कर देखते हैं. पहले अरेस की, पहले अरेस की. बैड और सालिया की गुड. तो भाई, अरेस को मिलेगी बैड ड्रिंक, सालिया को मिलेगी गुड ड्रिंक. तो अभी आप लोग बैठो आराम से, मैं आपके लिए बैड ड्रिंक और आपके लिए गुड ड्रिंक लाती हूँ. नहीं नहीं, आपके लिए गुड बैड ड्रिंक लाती हूँ मैं. चलो भाई, इनकी गुड ड्रिंक में था हमारा लेमनेड और बैड ड्रिंक में था हमारा सॉल्ट वाटर. ये गुड ड्रिंक एंड बैड ड्रिंक बन चुकी है. सालिया, आप अपनी गुड ड्रिंक लो. ये वाली, हाँ, यार अभी नहीं टेस्ट करनी. और ये इसके बैड ड्रिंक. अब सबसे पहले सबसे पहले तो अरेस, अरेस पिएगा. अरेस, अरेस मेरी बारी. अब सारा की बारी. सालिया की गुड ड्रिंक, लींबू पानी. लींबू पानी. और लींबू पानी तुम भी पियो. कितना खट्टा था ये. इन्होंने यहाँ पर कुली कर लिया, तो यहाँ पर ये बाल्टी रखी है. चलो आप चूज करो. चलो पहले सालिया चूज करेगी. नहीं, आप पहले चूज कर लो. अरे अरे अरे, इसका गुड मिलेगा. ये बोटिया खा खा के यही हाल होते. ये सारे बच्चे तंग करके, ये सारे बच्चों ने ना नाक में दम करके रखा हुआ है. मुझे गुड मिलेगा. और मौसम बहुत प्यारा है, एज यू कैन सी, बहुत प्यारा मौसम. आपको दिखाती हूँ. चलो भाई, ये हो गया इनका अच्छा और गंदा खाना तैयार. ये अरेस, अरेस आप ये लो, टेस्ट करो इसको, इसको टेस्ट करो. और ये सालिया का मिर्ची. जैम कार्ड है. मजा आ गया रेस को गंदा गंदा नमक वाला पानी पीने के बाद. अच्छा, आप कभी करते हैं, आप कभी करते हैं. वो कौन है मिर्ची चाचू?
यहाँ से इनकी गंदे मुंह वाली है। मैं खा गया तो फिर ना खाना पियो, बहुत मिर्ची लगेंगी। नहीं गाइस आज हम जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल। यस गाइस अरेज ने बिल्कुल ठीक बोला, एम्पोरियम मॉल जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल। ठीक है ईद सेकंड डे, मतलब ज़्यादातर लोग जाते हैं तो हम भी जा रहे हैं। ठीक है फैमिली गैदरिंग, इस तरह से रोज की तरह हम लोग डिग्गी में बैठे हुए हैं क्योंकि जगह नहीं थी तो हम लोग डिग्गी में बैठे हुए हैं जी। रोज की तरह हम डिग्गी में बैठाते हैं। सो अभी हम लोग जाते हैं एम्पोरियम। हाँ तो आपको मिलते हैं हम लोग एम्पोरियम मॉल में जाते हैं। So guys, अभी अरेज ना अंकल को ईद मुबारक कहेगा। ठीक है मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ठीक है गाइस तो हम ना मतलब यहाँ पे मैं कैमरा रखूंगी तो अरेज यहाँ पर ना जब अंकल ये डिग्गी खोलेंगे ना तो कहेगा ईद मुबारक। तुम तो चुप करो गाइस, मुझे अल्लाह की मजा है। नंबर सिक्स नंबर अब ना चुपचाप देखता मुझे क्या कहता, ये चुपचाप देखना दांत कान आगे से ये मेरा मुंह तोड़ देने अभी क्या भी देखिए अभी तुम्हें कह रहा हूँ। और ट्रैफिक गाइस देखें, ईद के दूसरे दिन ये हाल है, तीसरे दिन तो यहाँ पे मच्छी बिकती होगी। अंकल ईद मुबारक। यार मुबारक क्या हाल है आपका? ठीक है ठीक है। मेरा मजाक हा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एम्पोरियम मॉल में, एज यू कैन सी भाई हो। ठीक है तो अभी चलो चलते हैं यार, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ठीक है चलो चले। हाँ ये लो आपका फोन, चलो चलते हैं भाई हम लोग ऊपर वाली साइड। चेंज हो चुके हैं हम लोग एम्पोरियम आए थे तो बच्चे कहते हैं कि हमने झूले लेने हैं, तो जा रहे हैं झूलने का। और यहां से हमारे प्लान की वजह से बर्बादी शुरू हो गई और आप आगे खुद ही देख लें कि क्या हुआ हमारे साथ। तो हमारा जो प्लान है वो चेंज हो चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं झूलने। ठीक है बर्बादी नंबर वन, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमें काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आया, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है कुछ नहीं होता। तो हम लोग वहाँ पर इंटर हो गए फोर्ट्रेस के अंदर और हम लोगों ने अंकल को ईद मुबारक भी कह दिया। भाई हम लोग ज्वेलैंड के सामने आ गया, भीड़ देख ही सकती हैं लोगों की, हम वापस बाहर निकल आए। पर बाद ही नंबर टू हम लोग सोचा कि चलो पिज़्ज़ा खाने चले जाते हैं। पिज़्ज़ा खाने गए तो वहाँ पे चीज़ में काफ़ी ज़्यादा रश था तो हम लोग गाड़ी में बैठे रहे एंड 20 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा आ गया। ठीक है तो गाइस अभी हम लोग चीजें आए हैं पिज्जा खाने। ठीक है तो अभी हम लोग डिग्गी में बैठ के खाएंगे पिज्जा। ठीक अब आप लोग सोच रहे होंगे पिज्जा क्यों डिग्गी में बैठ के खाना है, मतलब गाड़ी में क्यों बैठ के खाना है, क्योंकि भाई अंदर रश ही बहुत था, बुक करवाने पड़ना था टेबल तो उसी में भी घंटा लग जाना था। तो ये देखिए उन्होंने ये हमें उन्होंने ये दिया। ठीक है अभी हम लोग डिग्गी खोल के बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है भाई अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी क्योंकि आपको पता है ईद डेज का, तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बुकिंग करानी पड़नी थी तो बुकिंग में बहुत देर लग जानी थी। और वैसे भी 11 बज गए हैं, रात के 11 बज गए, तो 11 बजे क्या बहुत देर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ऐसे बैठ गए हैं आराम से, फिर यहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे। अब ये खोलते हैं और पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट करें। ये हमें उन्होंने आगे से या पीछे पिज़्ज़ा करवाया पास, अभी हम जल्दी से ये फिनिश करते हैं और मैं आपको मिलती हूँ फिर। गाइस हम लोग मैकडोनल्ड्स आ चुके हुए हैं, सो आइसक्रीम खाएंगे क्योंकि मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम सबसे बेस्ट होती है, दैट्स हम लोग मैकडोनल्ड्स स्पेशल आइसक्रीम के लिए हैं, वरना आइसक्रीम तुम कहीं से भी खा सकते थे लेकिन मैकडोनल्ड्स इज द बेस्ट। बर्बादी नंबर थ्री, हम लोग जब आए मैकडोनल्ड्स तो उन्होंने कहा जो आइसक्रीम है वो ख़त्म होगी तो हम मैकडोनल्ड्स से बाहर आ। बर्बादी नंबर फोर, हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग KFC चले जाते हैं तो KFC से आइसक्रीम मिल जाएंगी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी हैं और हमारी 8 आइसक्रीम कोन्स वहाँ पर ही रह गई और हम खा ना सके। और बर्बादी नंबर फाइव ये भी थी कि हम लोग लाइन में लगे रहे ड्राइव थ्रू में, इतना हमें इंतज़ार करना पड़ा फिर जाके हम लोग विदाउट एनी ऑर्डर करे बाहर निकले।